हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली हम फिफ्थ यूनिट स्टडी कर रहे हैं, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया के बारे में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो देखिए, टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्सिया। अब समझिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया जनरली जो है, जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तब बॉडी के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है। अब रोटेशनल मोशन में जब भी बॉडी होगी तो पक्का कोई ना कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। मान लीजिए कोई किसी भी शेप की बॉडी है, अगर वो रोटेट कर रही है तो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होगी। कैसे, समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है और अगर मैं इस पॉइंट से फिक्स करके ऐसे रोटेट करता हूं तो ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे होगी। अगर मैं यहां से फिक्स करके रोटेट करता हूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे होगी। यहां से फिक्स करके रोटेट करता हूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे होगी। और मैं पेन को सेपरेट करूं और कह दूं इस फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है तो बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे होगी। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो सकती है, बाहर से भी पास हो सकती है, सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी भी लोकेशन से पास हो सकती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी भी हो सकती है। मतलब जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होगी तो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होगी, और फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही होगी तो बेटा उस पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो किसी भी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती हैं। तो बात करते हैं बेटा मोमेंट ऑफ इनर्सिया की। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी रैंडम किसी भी शेप की बॉडी है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। पहले ही कह चुका हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से भी पास हो सकती है, बाहर से भी पास हो सकती है, सेंटर ऑफ मास से भी पास हो सकती है। अब मान लो मैं कहता हूं बॉडी के अंदर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल का मास m1, m2, m3, m4, m5 अप टू कहाँ तक है, mn तक है। और बेटा हर एक पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लो r1, r2, r3, r4, r5 और अप टू कहाँ तक होगा बेटा, rn तक होगा। क्लियर। अब अगर मैं कह दूं कि मैंने बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्सिया को आई से डिनोट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्सिया को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा बेटा, सुनिए, पहले पार्टिकल का मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वेयर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्लस दूसरे पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वेयर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी तरह थर्ड पार्टिकल का, फोर्थ पार्टिकल का, फिफ्थ पार्टिकल का और अप टू कहां तक जाएंगे, nth पार्टिकल तक जाएंगे। अप टू कहां तक जाएंगे, nth पार्टिकल तक जाएंगे। तो इस तरह से क्या निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकलेगा बॉडी का। अब दूसरी बात सुनिए, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास होगी तो R1, R2, Rn दोनों की वैल्यू ज्यादा, सबकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ज्यादा हो जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास होगी तो R1, R2, Rn सबकी वैल्यू कम हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्सिया कम हो जाएगा। तो इसलिए बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के चेंज होने से चेंज हो जाता है। इसलिए जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्सिया को डिफाइन करेंगे तो उस टाइम पे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो है वो पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही डिफाइन किया जाएगा। मतलब जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्सिया की डेफिनेशन लिखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा बेटा,
हमेशा एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट डिफाइन किया जाएगा। तो देखिए क्या बताओगे, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए एक्सिस, अबाउट ए एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस या अबाउट ए गिवन एक्सिस, जो भी कहना चाहो, अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम। क्या होगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम। किसका सम बेटा, प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, मासेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी एंड स्क्वेयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर स्क्वेयर, आर टू का स्क्वेयर, एंड क्या आएगा, स्क्वेयर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज, स्क्वेयर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर, एंड क्या बताएंगे बेटा, इट इज डिनोटेड बाय आई, और इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, आई से डिनोट करते हैं। और इस तरह से देखिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या आ जाएगा, एम वन आर वन का स्क्वेयर, एम टू आर टू का स्क्वेयर, और अप टू कहां तक आ जाएगा, एम एन आर एन का स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद सुनिए, अगर आप इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, देखिए अगर समेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या आएगा, समेशन, और देखिए m1, m2, m3, m4 अप टू कहां तक, mn तक, तो मैं इसको लिख दूं mi, फिर r1 का स्क्वेयर, r2 का स्क्वेयर, r3 का स्क्वेयर, rn का स्क्वेयर, तो इसको लिख दूं ri का स्क्वेयर, बशर्ते i की वैल्यू 1 से लेके और कहां तक है, n तक है। ठीक है, ध्यान रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया के बारे में। अब देखना, इट्स मेजरिंग यूनिट, इट्स मेजरिंग यूनिट इज बेटा मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वेयर, या क्या आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर, या क्या आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लियर, एसआई सिस्टम में या एमकेएस सिस्टम में बोलेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वेयर, सीजीएस सिस्टम में क्या आ जाएगा, दैट इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर, यही होगा ना सीजीएस सिस्टम में, दैट इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लियर, अब समझिए, बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, बेटा इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मास मतलब m1 और डिस्टेंस का स्क्वेयर मतलब l2, और क्या आ जाएगा, t रेस टू द पावर 0। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा, आपने ये तो पढ़ा है कि बॉडी का मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, भाई कोई भी बॉडी है, किसी भी बॉडी का मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि देखो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, ए बॉडी है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द बॉडी इज नॉट फिक्स्ड क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्सिया
ऑफ द बॉडी इज नॉट फिक्स्ड क्वांटिटी, इट चेंजेस विद द इट चेंजेस विद द चेंज इन एक्सिस ऑफ रोटेशन, विद द चेंज इन एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? तो ध्यान रखोगे अगर किसी बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगी तो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स फाइनल कर रहा हूं। मास किसी भी बॉडी का जनरली कांस्टेंट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। किसी भी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती हैं, सेंटर ऑफ मास से भी पास हो सकती हैं, कहीं और से भी पास हो सकती हैं, आउटसाइड द बॉडी भी पास हो सकती हैं। तो ऐसा कोई बाउंड फिक्स नहीं है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर या सेंटर ऑफ मास से ही पास होनी चाहिए, कहीं से भी पास हो सकती है। और मोमेंट ऑफ इनर्सिया को किससे डिनोट करते हैं बेटा, आई से डिनोट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा आपका, दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। अब देखिए बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। बेटा जैसे मोमेंट ऑफ इनर्सिया एक्सिस टू एक्सिस वेरी करता है, वैसे ही रेडियस ऑफ जायरेशन भी एक्सिस टू एक्सिस वेरी करता है। अब समझ लीजिए, मान लीजिए कोई भी बॉडी है रैंडम किसी भी शेप की, ठीक है, और हम कहते हैं ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक्स वाई। अब मान लो बॉडी के अंदर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मीन्स हर एक का मास सेम है, पहले पार्टिकल का मास भी m, दूसरे पार्टिकल का मास भी m, तीसरे पार्टिकल का मास भी m, चौथे का भी m, पांचवे का भी m, सारे आइडेंटिकल हैं। पहले पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1, दूसरे पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2, तीसरे पार्टिकल का r3, r4 अप टू कहां तक आ गया, rn तक आ गया। तो देखिए क्या बताएंगे, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m हैविंग n नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल m विच हैविंग n नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास स्मॉल m, हर एक का मास क्या है बेटा स्मॉल m है। तो देखिए बॉडी का टोटल मास कैपिटल m है और हर एक पार्टिकल का मास क्या है स्मॉल m है, और इसलिए क्या आएगा, देयरफॉर टोटल मास ऑफ द बॉडी कैपिटल M इज इक्वल टू पहले पार्टिकल का मास, दूसरे पार्टिकल का मास, तीसरे पार्टिकल का मास अप टू n तक होगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा n इंटू m हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा n इंटू m हो जाएगा अप टू n पार्टिकल्स, कहां तक आएगा n पार्टिकल्स तक आएगा। तो इस तरह से बॉडी का टोटल मास क्या हो जाएगा n इंटू m हो जाएगा। और अब मेरे को ये बताइए, अगर हम कहें कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द बॉडी,
अगर मैं बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्सिया को निकालना चाहूं तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैसे आता है, आई से डिनोट करते हैं पहले पार्टिकल का मास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वेयर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्लस दूसरे पार्टिकल का मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से स्क्वेयर, प्लस तीसरे पार्टिकल का मास, चौथे पार्टिकल का मास, अप टू कहाँ तक आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वेयर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर एन का स्क्वेयर, इसी तरह कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। अब उसके बाद सुनिए, आप क्या करोगे, ये आया यहां तक, अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं यहां से m कॉमन ले लूं तो देखना क्या आएगा, दैट इज r1 का स्क्वेयर प्लस r2 का स्क्वेयर अप टू कहां तक आ गया, rn का स्क्वेयर आ गया। ठीक है, अब सुनिए, ये है r1 का स्क्वेयर, r2 का स्क्वेयर, अप टू कहां तक, आर एन का स्क्वेयर, यही है ना। अब देखिए, अगर मैं इसको एन से मल्टीप्लाई कर दूं और एन से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, मैंने सिंपल क्या किया, एन से मल्टीप्लाई किया और एन से डिवाइड किया, और अब देखिए क्या हो गया, ये एम इंटू एन टोटल मास ऑफ द बॉडी आ गया और किसके बराबर आ गया, दैट इज आर वन का स्क्वेयर प्लस आर टू का स्क्वेयर आर थ्री का स्क्वेयर और अप टू कहाँ तक आ गया बेटा, आर एन का स्क्वेयर आ गया और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एन हो गया। मार्क कर दिया इक्वेशन वन, क्लियर। अब सुनिए, बॉडी का टोटल मास एम है और बेटा टोटल मास एम कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, एट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एग्जिस्ट करेगा। मान लो ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है और यहां पे बॉडी का टोटल मास एग्जिस्ट कर रहा है, और बेटा सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए कैपिटल के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मान लीजिए, कैपिटल के मान लीजिए। और अब अगर मैं कह दूं कि मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्सिया चाहिए बॉडी का, और किसकी टर्म्स में चाहिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द बॉडी चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसकी टर्म्स में चाहिए बेटा, सेंटर ऑफ मास की टर्म्स में चाहिए, या हम उसको सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आप देखिए क्या बताओगे, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द बॉडी, और किसकी टर्म्स में बता रहे हैं हम इसको, सेंटर ऑफ मास की टर्म्स में बता रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो देखिए सेंटर ऑफ मास की टर्म्स में क्या आएगा, मास ऑफ द कंप्लीट बॉडी एंड स्क्वेयर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और स्क्वेयर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, के, तो क्या आ जाएगा, एम के स्क्वेयर आ जाएगा। अब दोनों को कंपेयर कर दो, दैट इज कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, क्या कर दो, इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करो बेटा, इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करेंगे तो देखना क्या आएगा, एम के स्क्वेयर इज इक्वल टू एम इंटू आर वन का स्क्वेयर प्लस आर टू का स्क्वेयर और अप टू कहां तक आ जाएगा बेटा, आर एन का स्क्वेयर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। यही है, दोनों को कंपेयर कर दिया वन और टू को, अब देखना एम से एम कैंसिल, और इस तरह से आपका के किसके बराबर आ गया, इस तरह से के बराबर आ गया अंडर रूट आर वन का स्क्वेयर प्लस आर टू का स्क्वेयर प्लस आर थ्री का स्क्वेयर अप टू कहां तक आ जाएगा, आर एन का स्क्वेयर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा एन। क्लियर, एंड ये क्या आ गया, दिस इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, ये अपने आप में क्या आ गया, ये अपने आप में आ गया, दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन,
अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक, वो समझेंगे पहले आप। एक होता है बेटा आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या है? आरएमएस वैल्यू का मतलब है रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू। अब इसका मतलब समझिए, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं कहता हूं एक है आर वन, एक है आर टू, एक है आर थ्री। मैंने इनकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। अब आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? पहले स्क्वेयर करेंगे। ये लो देखो, बहुत ध्यान से देखो, स्क्वेयर किया, आर वन का स्क्वेयर, आर टू का स्क्वेयर, आर थ्री का स्क्वेयर, इस तरह कंटिन्यूटी में चले गए, स्क्वेयर कर दिया। स्क्वेयर करने के बाद मीन निकालो। मीन कैसे निकालते हैं? सबको ऐड करो और नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर दो। अगर तीन है तो तीन से डिवाइड कर दिया। और अब क्या करना है? रूट, रूट का मतलब अंडर रूट। समझ में आया? तो आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है तीन चीजें, पहले आप स्क्वेयर करेंगे, फिर मीन निकालेंगे, उसके बाद रूट निकालेंगे, तब जाके आपका क्या आता है? आरएमएस वैल्यू आता है, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू आता है। और अगर मान लो इसी तरह क्वांटिटीज एन तक हो, तो कहां तक चले जाएंगे? आर फोर का स्क्वेयर, आर फाइव का स्क्वेयर, अप टू कहां तक आ जाएगा? आर एन का स्क्वेयर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय जो थ्री है उसकी जगह क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो एक बार देखिए, मेरे हिसाब से ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इसलिए आप क्या बताओगे? रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है बेटा? आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू है। किसकी रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप ध्यान रखेंगे कि रेडियस ऑफ जायरेशन जो है, रेडियस ऑफ जायरेशन अपने आप में रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू है। किसकी रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू है? डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हर एक पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और मैं पहले ही कह चुका हूं, रेडियस ऑफ जायरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने से चेंज हो जाएगा। तो आप देखिए क्या बताएंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस, ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू, रूट मीन स्क्वेयर मतलब आरएमएस वैल्यू। क्या बताएंगे? रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी, भई ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक्स वाई ये वाली, तो क्या है इस एक्सिस के अबाउट कैसे डिफाइन किया जाएगा? रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू। किसकी रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू? ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ इट्स पार्टिकल, डिस्टेंसेस ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी, ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से हरेक पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसके आपकी जो स्क्वेयर की रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू आएगी वो क्या होगा? आपका रेडियस ऑफ जायरेशन होगा। फिर बताएंगे इट इज डिनोटेड बाई के। इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल के से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन को। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ बेटा, सुनो बहुत ध्यान से, नाम से ही पता चल रहा है रेडियस, आगे चाहे कुछ भी हो है तो रेडियस, रेडियस है तो इसका मतलब मेजरिंग यूनिट रेडियस ऑफ जायरेशन की क्या आएगी? मीटर आएगी। भाई रेडियस ऑफ जायरेशन भी क्या है बेटा? डिस्टेंस की टर्म्स में है, इसलिए रेडियस ऑफ जायरेशन की जो मेजरिंग यूनिट आएगी वो मेजरिंग यूनिट भी क्या आएगी? मीटर आएगी।
और बेटा मीटर आ गई तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी उसी की टर्म्स में आ सकता है, मीटर है लेंथ है तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, एम जीरो एल वन टी जीरो। तो आप बता सकते हैं, मेजरिंग यूनिट बता दो, डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज एम जीरो एल वन टी जीरो। सिर्फ लेंथ ही तो है बेटा, और इसकी मेजरिंग यूनिट भी क्या रहेगी, मीटर की टर्म्स में रहेगी। तो डिफाइन कर दोगे बेटा रेडियस ऑफ जायरेशन। अब किसी भी बॉडी का बेटा मोमेंट ऑफ इनर्सिया रेडियस ऑफ जायरेशन की टर्म्स में हमेशा एम के स्क्वेयर लिखा जाएगा, चाहे कोई सिलेंडर हो, चाहे कोई स्फीयर हो, चाहे कोई डिस्क हो, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी बॉडी हो, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया रेडियस ऑफ जायरेशन की टर्म्स में हमेशा क्या लिखा जाएगा बेटा, एम के स्क्वेयर लिखा जाएगा। क्लियर? और के क्या है बेटा, रेडियस ऑफ जायरेशन है, और ये होता क्या है, सेंटर ऑफ मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर?